साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र काद्यान, कुश्ती कोच, रेलवे टीम। साथियों आज मैं अपने गांव आया हूं और मेरे गांव में ये दो नहर हैं इतनी बड़ी बड़ी, और इस नहर के पास हमारे गांव के सरपंच हैं अजीत पहलवान। उन्होंने हन्नी स्पोर्ट्स एकेडमी, बहुत अच्छी एकेडमी बना रखी है। ऐसा वातावरण, पास में नहर, साथ में एकेडमी, और दौड़ लगाने के लिए ये ट्रैक यानी कि नहर की पटड़ी, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण शायद आप किसी को कहीं भी नहीं मिलेगा। एक पहलवानी करने के लिए बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया है अजीत पहलवान ने। ये देखो अपनी खुद की जगह पर अपने किले में ये मिट्टी का खाड़ा, मेज, कस्सी, डम्बल, साथ में पार्क भी है, चिनअप्स के लिए भी है, और देखो स्पेशल पहलवानों के लिए स्टेपिंग करने के लिए, पैड़ी करने के लिए ये पैड़ी बनाई हैं, और ये चिनअप्स के लिए ये देखो भाई बहुत अच्छा माहौल अजीत भाई ने तैयार किया है। और ये पहलवान है, ये रूम है पहलवानों के, और ये जिम है भाई। देखो कितना अच्छा माहौल भी है, वातावरण भी है बहुत अच्छा, और ये मोगरी जिसको बोलते हैं पुराने टाइम पर, और ये देखो रेसलिंग हॉल। ये रेसलिंग हॉल किसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल से कम नहीं है, बहुत अच्छा। बजरंग भाई का फोटो है, योगेश्वर का है, सुशील पहलवान का है, और चांद्रूप अखाड़े में अजीत पहलवान रहा करते हैं, चांद्रूप जी का है, जो भी अच्छे अच्छे रेसलर हैं उनका फोटो भी लगाया ताकि छोटे बच्चे उनको देख करके मोटिवेट हों और अच्छे लेवल पर जाने का प्रयास करें। देखो ये ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं ना, एक बहुत अच्छे सेंटर पे भी नहीं मिलेंगी आपको। जैसे देखो डम्मी भी हैं, मेडिसिन बॉल है, रोप है, ये ब्रॉड जंप के लिए है, कौन है, स्टेपिंग के हैं, और बुल्गारियन बैग भी हैं। इधर आ बेटा, क्या नाम है आपका? कौन सा गांव आपका? लाट। लाट से हो? हाँ। कोच कौन है यहाँ पे? विकास। विकास सर बहुत अच्छे कोच हैं। विकास सर इंटरनेशनल पहलवान भी रहे हैं अपने टाइम के, और यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। और अपने जो गांव के सरपंच हैं अजीत पहलवान, वो क्या क्या सुविधा देते हैं आपको? सारी सुविधा देते हैं। देखो ये पहलवान हैं और अजीत पहलवान, इनको जो भी बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं इनको फ्री खाना, फ्री रहना, सारी चीज़ें इनको फ्री उपलब्ध कराते हैं, और ये बिल्कुल मासूम नन्हे पहलवान हैं और हमारे गांव की एकेडमी की शान बनने वाले हैं। तो जो भी भाई आसपास का डवेट्टा, मोई माजरी, तेवड़ी, पुगथड़ा, कासंडी, आप यहां करके ट्रेनिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे कोच हैं। तो थैंक यू, आज हमने हमारे गांव की एकेडमी हन्नी सिंह एकेडमी आपको दिखाई। तो लगातार देखते रहना, एक दिन हम ट्रेनिंग के लिए भी आएंगे एकेडमी में ट्रेनिंग टाइम पर। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग के टाइम आएंगे और नन्हे पहलवानों के साथ ट्रेनिंग करेंगे। ये देखो भाई कौन सा काम भाई तेरा? दिल्ली से पहलवान, देखो बदाम में गढ़ रहा है। तेरा कौन सा काम है? प्रकाश। ये प्रकाश का इसने जानते हुए कई जगह दंगल में भी देखा हुआ है छोरा। तेरा भी कहाँ का है? बजाना कला भैया, मेरे गांव का है छोरा।
तू भाई डुबेटेगा, ये डुबेटेगा है। और देखो ये पहलवान बादाम वगैरह ला रहे हैं, ये छान के नफी होंगे, ये इनका मैस है भाई खाना बना ला रहे हैं। लो भाई जो भी भाई आना चाहता हो यहाँ पे आओ, मोस्ट वेलकम है सारा का। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।